अभी थोड़ी देर पहले खाली करा दिया गया है। यहाँ माले के विधायक महबूब आलम थे, उनको गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में लेकर पुलिस उनके उनको ले जा रही थी। और इस दौरान उनके जो समर्थक थे उन लोगों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, क्योंकि छात्रों की बात थी और छात्रों के बातचीत करते हुए यहाँ तमाम नारेबाजी हो रही थी। लेकिन प्रशासन सुबह से ही यहाँ पर मुस्तैद थी और इस डाकबंगले चौराहे को अभी यहाँ से खाली कराया गया है और अब यहाँ पर आवागमन पूरी तरीके से चालू हो गया है। यहाँ पर गाड़ियां आ रही हैं और बहुत नॉर्मल है यहाँ पर, और जब तमाम जो कार्यकर्ता थे वो भी अब यहाँ से जा चुके हैं। शर्मिला, तो डाक बंगला चौराहे पर जो प्रदर्शन हो रहा था विनाश, उन प्रदर्शनों को अब खत्म कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को हटाने में कामयाब रही पुलिस? हाँ बिल्कुल, प्रदर्शनकारियों को वहाँ से हटाया गया है। हालांकि लास्ट में पुलिस ने जबरन हिरासत में लिया महबूब आलम को और उनको लेके गई और उनको रोकने के लिए कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की गाड़ी को रोका भी, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने थोड़ी सी सख्ती दिखाते हुए वो महबूब आलम को अपने साथ ले गई और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमारे कई सहयोगी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने यहाँ पर जो SDM या मजिस्ट्रेट मौजूद थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान कुछ भी मजिस्ट्रेट ने कहने से अभी इनकार किया। और जैसा कि आप जानती है कि जब इस तरीके से कोई भी बंद होता है, क्योंकि ये जगह बंद करने के लिए नहीं रहती है और उसके बाद प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई करती है, तो अब यहाँ से प्रशासन जाएगी और क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्या FIR होता है या क्या कुछ होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे किस तरीके से कार्रवाई करती है प्रशासन। बिल्कुल, आगे किस तरह से कार्रवाई करती है प्रशासन, ये देखना तो दिलचस्प होगा। लेकिन अविनाश, एक और सवाल है कि अगर बंद की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बंद का बिहार में मिला जुला असर दिखा? देखिए, कह सकते हैं मिला जुला असर देखने को कहीं कहीं मिला जुला असर देखने को मिला है। बहुत ज्यादा व्यापक असर इसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस पूरे बंद से छात्र नदारद दिखे। छात्रों के संख्या इसमें नहीं थी, छात्र अपने घरों में थे। ज्यादातर इसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल थे, चाहे वो महागठबंधन के हो या जाप के हो। तो इन नेताओं ने, इन कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद को आज किया और कई जगहों पर जहां मुख्य सड़कें हैं वहां पर किया गया। राजद ने भी किया, राजद के भी कई नेता और कई कार्यकर्ता यहाँ पर डाकबंगला चौराहे पर मौजूद थे। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी, या चाहे वो वैशाली की बातचीत कर लीजिए, समस्तीपुर की बातचीत कर लीजिए, या फिर बातचीत आप कर लीजिए पटना सिटी की, बक्सर की, जहानाबाद की, गया की, ये जगहें हैं जहां पर जाम का थोड़ा बहुत असर देखने को मिला। लेकिन इसको कहा जाए कि व्यापक असर रहा, जिस तरीके से छात्रों ने प्रदर्शन की तस्वीरें हैं अब सामने नहीं आएंगी, क्योंकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटा दिया है और अब जो स्थिति है वो सामान्य हो गई है, आवागमन फिर से सामान्य रूप से चालू हो गया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अविनाश। तो बता दें कि आज बिहार के कई जिलों में बंद का मिला जुला असर